हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। पाकिस्तान जाने वाला भारत के हिस्से का पानी रोका जाएगा। रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने यह बयान दिया है, पुलवामा अटैक के बाद यह बयान आया है, और पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए इंडिया जो टैक्टिक्स चल रहा है एक के बाद एक, उसी का ये एक पार्ट है। तो डिस्कस करेंगे कि इंडिया किस तरीके से जो वेस्टफुल पानी है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर इंडिया के हिस्से का पानी है, उसका कैसे इस्तेमाल करेगा, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या होगा, और अभी तक जो इंडिया ने प्रेशर टैक्टिक्स पाकिस्तान पे डाले हैं क्या उससे कुछ रिजल्ट मिला है, क्या पाकिस्तान में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं पाकिस्तान की सरकार उन पर कुछ कदम उठा रही है या नहीं। ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, इन सभी एग्जाम्स यानी घर बैठे आप कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज। अभी सेल भी चल रही है 60% ऑफ, मेक गुड यूज ऑफ दिस, और घर बैठे या कहीं भी आप चाहें आप तैयारी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस एट दीज नंबर्स या फिर आप studyiq.com पे भी विजिट कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा लाइकलीहुड है, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप इंडो पाकिस्तान रिलेशन से डायरेक्टली रिलेटेड सवाल देख सकते हैं। ये एक सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स का। देखो यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया गॉट फुल राइट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ दीज थ्री ईस्टर्न रिवर्स, रावी, ब्यास और सतलुज। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि शाहपुर कांडी डैम बनाया जाएगा रिवर सतलुज पर। फाइनल स्टेटमेंट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शाहपुर कांडी डैम, जब शाहपुर कांडी डैम बन जाएगा, इससे जो पाकिस्तान में इंडिया का एक्स्ट्रा पानी जा रहा है, जो हम एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो वेस्टेज कम हुआ करेगी। ये तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने, अटेम्प्ट करिए, वैसे वीडियो आप पूरी देखोगे तो इन क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले इंडिया की जो स्ट्रेटजी है, जब से पुलवामा टेरर अटैक हुआ है, हमारे CRPF के जवान शहीद हुए, तब से इंडिया ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए अपनी डिप्लोमेसी का पूरा इस्तेमाल किया है। डिप्लोमेसी और जो हमारी नेशनल पॉलिसी है उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे FATF की मीटिंग होने वाली है 2019 के अक्टूबर महीने में, उसमें इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में हम भेजेंगे और इसके लिए हम लॉबी करेंगे, ओपनली डिक्लेयर किया है। उसके अलावा इंडियन कंपनीज धीरे धीरे अब पाकिस्तान से टाइज तोड़ रही हैं। रिसेंटली PSL को ब्रॉडकास्ट करने वाली एक कंपनी ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया कॉन्ट्रैक्ट से, क्रिक बस की न्यूज़ होगी, आई एम श्योर आपको पता होगा। बहुत सी इंडियन कंपनीज आज के टाइम में पाकिस्तान के साथ जो उनके क्रिकेटिंग रिलेशन हैं या जो भी बिजनेस रिलेशन हैं उनसे धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। उसके अलावा जो इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज़ ओपनली कह रही हैं कि वो पुलवामा टेरर अटैक के बाद इंडिया के साथ खड़ी हैं और जैश ए मोहम्मद पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। फाइनली इस सब प्रेशर का एक जेन्युइन रिजल्ट सामने आया है। 21 फरवरी 2019 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये न्यूज़ कुछ घंटे पहले ही आई थी, 21 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने हाफिज़ सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन है जमात उद दावा और उसका जो चैरिटी विंग है फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन, दोनों को बैन कर दिया है। ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी जीत है, हालांकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हाफिज़ सईद ऑलरेडी संयुक्त राष्ट्र UN के अंडर एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, तब भी आप सोच कर देखिए कि इतने लंबे समय तक ये पाकिस्तान में ओपनली घूम रहा है, इंटरव्यू देता है, इसके अंडर वेरियस इसकी चैरिटीज़ चल रही हैं। फाइनली प्रेशर अब आया है तो पाकिस्तान ने इस इशू पे काम करना स्टार्ट किया है। हालांकि मसूद अज़हर अभी भी बचा हुआ है, इंडिया उसके लिए मसूद अज़हर के लिए प्रेशर डालता रहेगा। अब ये जो यहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट हुई है, इससे आपको पता लगेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठा रही थी उसका एक टैंजिबल रिजल्ट भी सामने आया है। जब आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जब आप का जो स्टांस है वो सही है, जब आप कह रहे हैं कि हमारी धरती पर टेरर अटैक हुआ है, पाकिस्तान की धरती का एक टेरर आउटफिट ओपनली क्लेम कर रहा है कि उन्होंने वो अटैक किया है, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया आपका साथ देगी, एक्सेप्ट अ फ्यू कंट्रीज, कुछ कंट्रीज को छोड़ के पूरी दुनिया आपका साथ देगी और प्रेशर माउंट होगा। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि आप सबका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप में से बहुत से लोग ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर जाके अपना ओपिनियन लिखते होंगे,
ऑफ कोर्स एक इंडिविजुअल का जो ओपिनियन है वो इतना मैटर करता नहीं है, मगर जब बहुत से लोग एक बात को दोहराते हैं और एम्फसाइज करते हैं कि ये टेरर अटैक को हम सीरियसली ले रहे हैं एंड वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू समथिंग अबाउट इट, तो गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है और उन्हीं स्टेप्स का रिजल्ट हम आज के टाइम में देख रहे हैं कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में सेटबैक जरूर लगा है। और ये छोटी बात नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान में हाफिज सईद की एक चैरिटी आउटफिट थी और उसका जो संगठन था बैन लग गया मगर वो ग्राउंड लेवल पे काम करते रहेंगे, नहीं, देखो हाफिज सईद की जो ये चैरिटी विंग थी इनके बहुत से स्कूल थे पाकिस्तान में, करीब 300 के आसपास स्कूल थे, पता नहीं क्या वहाँ पे पढ़ाया जाता था, वहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स थे, उनके वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस थी, उनका पब्लिशिंग हाउस था, उनकी न्यूज़पेपर्स मैगजीन छपती थी जिससे वो प्रोपेगेंडा अपना फैलाते थे, उसके अलावा माना जाता है कि इनके करीब 50,000 वॉलंटियर्स थे ऑल ओवर पाकिस्तान, ये सब अंडर पाकिस्तान ये बैन कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये निर्णय लिया गया है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी द्वारा, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइम मिनिस्टर फील कर रहे थे कि यहां पे जो हो रहा है और इंडिया जिस तरीके से कदम बढ़ा रहा था और अभी के लिए इंडिया की पब्लिक को शांत करने के लिए, गवर्नमेंट को पैसिफाई करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है जो बिल्कुल सही है, इससे रीजन में स्टेबिलिटी कुछ हद तक कायम होगी मगर अभी भी काफी स्टेप्स और लेने बाकी हैं। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं जब तक पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद पर कोई प्रॉपर क्रैकडाउन नहीं होता इंडियन गवर्नमेंट यहां पर रुकने वाली नहीं है, तो अभी के लिए जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे उसमें एक बहुत बड़ा स्टेप इंडिया ने ये ऐड कर दिया है कि जो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था पाकिस्तान और इंडिया के लिए पानी, अब इंडिया इसको भी छेड़ेगा मगर विद इन द रूल्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमारे हिस्से का पानी है हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। सो रिसेंटली मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर रिसोर्सेज नितिन गडकरी ने ये कहा है कि द वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न रिवर्स, इंडस में जो ईस्टर्न रिवर्स हैं आपको पता होगा दो टाइप की रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के अंडर आती हैं, वहाँ का पानी जो बिल्कुल पाकिस्तान को बह जाता था जो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे वो पानी अब पंजाब और कश्मीर की तरफ डाइवर्ट होगा और इसके लिए जो डैम बनना है उस पर काम भी शुरू हो गया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शाहपुर कांडी डैम के लिए, तो मतलब कि इंडिया विल नॉट अलाउ इट्स शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस नेटवर्क ऑफ रिवर्स टू फ्लो इन टू पाकिस्तान, ये काफ़ी बड़ी बात है। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी पे StudyIQ पे आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, आपको बस सर्च करना है इंडस वाटर ट्रीटी StudyIQ एंड यू कैन फाइंड इट देयर। अभी के लिए फॉर द इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, मैं आपको ये बता दूं कि इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960, ये वर्ल्ड बैंक के अंडर ये ट्रीटी आती है। इस ट्रीटी के अंडर इंडिया हैज़ फुल राइट्स टू यूटिलाइज द वाटर्स ऑफ रावी ब्यास और सतलुज, वाइल जो चेनाब और झेलम है ये पाकिस्तान को बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिवर्स का बंटवारा किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सतलुज यहाँ पर, ठीक है, ये है चेनाब, ये है झेलम और ये एक और मैं आपको मैप बाद में दिखा दूंगा, उसमें आपको रावी भी दिखा पाऊंगा। तो देखो इंडस वो जो वाटर सिस्टम है वहाँ पे जो रिवर्स हैं इस तरीके से बटी हुई हैं, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसकी बात नितिन गडकरी जी कर रहे थे उसमें आते हैं सतलुज ब्यास और रावी, तो इन नदियों का पानी जो ज़ाया एक्स्ट्रा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ उस पर हम अब कार्रवाई करेंगे, वो पानी पाकिस्तान की तरफ एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, इससे पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा ऑब्वियसली। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें आती हैं झेलम और चेनाब, तो ये एक और काफ़ी अच्छा मैप है, यहाँ पे आप देखोगे ये है रावी नदी, यह शुरू होती है हिमाचल प्रदेश से, फिर ये जम्मू कश्मीर से होते हुए जम्मू के एरिया से यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल बॉर्डर को टच करती है मगर काफ़ी पानी यहाँ पे जम्मू को भी ये प्रोवाइड करती है, फिर पंजाब से गुजरती है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर पाकिस्तान में बह जाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है ना यहाँ पे पंजाब का एरिया, नॉर्दर्न पंजाब का एरिया, वहाँ पर एक डैम बना रहे हैं शाहपुर कांडी डैम, उसी को रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने कोट किया है और कहा है कि उस पर काम शुरू हो चुका है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पानी सीधा पाकिस्तान को बह जाता है जिसको वो यूटिलाइज़ करते हैं हम वो पानी वहाँ तक नहीं जाने देंगे, इससे पाकिस्तान की जो पब्लिक है डेफिनेटली उनको इम्पैक्ट होगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी आता है पाकिस्तान अपने यहाँ इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करता है। नाउ शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के लिए अलग से आप नोटिस करेंगे कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उसमें जो डिटेल्स होते हैं उस पर एक अलग से वीडियो ऑलरेडी StudyIQ पे अवेलेबल होती है। शाहपुर कांडी डैम पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है,
टोटल 3 लाख लोग इसको देख चुके हैं। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें आपको पूरी जो ये डायनामिक्स है इस पूरे डैम के काफ़ी हद तक समझ में आएंगे। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी इंडिया की तरह एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, लाखों करोड़ों लोगों को वहाँ पर एग्रीकल्चर से ही रोज़गार मिलता है, और जो टोटल इनका फार्म लैंड है जहाँ पर ये इरीगेशन करते हैं, जहाँ पर ये पानी प्रोवाइड करते हैं, उससे ये सब्जियाँ उगाते हैं, ये माना जाता है करीब 21.5 मिलियन हेक्टेयर का है। इसमें से 80% जो लैंड है, प्राइमरली हम यहाँ पे पंजाब और सिंध प्रोविंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो पानी आता है वो डायरेक्टली इंदस रिवर से ही आता है और उसकी ट्रिब्यूटरी से आता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि सिंस इंडिया अब यहाँ पे अपना जो हक है वो एग्जर्ट करेगा तो उससे पाकिस्तान को रिलेटिवली कम पानी आया करेगा। तो देखिए, ऑफ द टोटल 168 मिलियन एकर फीट जो पूरा रिवर के जो क्या जो बेसिन है उसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं, इंडिया शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम द 3 रिवर्स जो इंडिया की तरफ जो नदियां हैं तो उसमें इंडिया का शेयर है 33 मिलियन एकर फीट विच कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 20%। तो इंडिया यूजेज ओनली 93-94%। इंडिया अभी तक सिर्फ 93-94% पानी यहाँ पे यूटिलाइज करता था, तो बाकी का जो 6-7% है अब इंडिया उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगा। एंड बिलीव मी, यहाँ पर 1-1% जो पानी है इट मींस अ लॉट, कई लाखों फार्मर्स की लाइफ इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया गॉट फुल राइट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर्स ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स, रावी, ब्यास, सतलुज। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे हमने देखा वहाँ पर। जो दूसरी बात है यहाँ पे कि शाहपुर कांडी डैम ये सतलुज नदी पे बनेगा, गलत, रावी पे बन रहा है, ठीक है, अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट वुड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर टू पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। सो ये था अब तक का एनालिसिस। आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वी आर कीपिंग यू अप टू डेट, और जो भी इंडिया कदम उठा रहा है उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।